हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो पिछली क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर, आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य किस प्रकार से कर सकता है, क्या क्या शर्तें लागू होनी चाहिए और क्या क्या नियम होने चाहिए। उसके बाद देखा था कि ट्रांसफार्मर कैसे जल जाता है डीसी पर अगर सप्लाई देते हैं, तो इन बातों के बारे में जाना था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि ट्रांसफार्मर नो लोड पर कैसे कार्य करता है, कैसे रिएक्टिव करता है और उसकी जो पावर होती है वो कैसे कंज्यूम होती है और कौन सी पावर होती है वो पावर खपत नहीं करती है, इन बातों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो आपका आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर नो लोड, यानी शून्य भार पर परिणामित्र। ठीक है, अब बात करते हैं कि शून्य भार पर परिणामित्र का मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर पर सेकेंडरी वाइंडिंग पर कोई भी किसी भी प्रकार का लोड नहीं लगाया गया है। यह मतलब होता है शून्य भार पर। अगर बात की जाए कि प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए और वो भी एसी सप्लाई से। अब बात करते हैं कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग को मैं ओपन छोड़ देता हूं, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी लोड नहीं लगाते हैं। अब ये जो सर्किट है ट्रांसफार्मर का, ये कहलाता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट की बात है कि शून्य भार पर, यानी भार का मान क्या है, यहां पर जीरो है, किसी भी प्रकार का भार नहीं है, तब ट्रांसफार्मर क्या रिएक्ट करेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने एसी सप्लाई दी ट्रांसफार्मर के अंदर और इसी सप्लाई की वजह से यहाँ पर बात करते हैं कि मैंने E1 का मान दिया और E1 के कारण क्या होगा कि इसके अंदर परिपथ में धारा जाएगी। ठीक है, और ये धारा I1 ये I0 कहलाएगी। जो धारा जाएगी सर्किट में वो क्या कहलाएगी, I0 कहलाएगी। यानी I0 का मतलब है कि यहाँ पर शून्य बाहर धारा। ठीक है, शून्य बाहर धारा जब सर्किट में जाएगी तो ये क्या करेगी, फ्लक्स निर्माण करेगी और वो फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। ठीक है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग उस फ्लक्स का क्या करेगी, छेदन करेगी, जिससे यहाँ पर जो अपने को जो वोल्टेज मिलेगी वो क्या होगी, E2 होगी। यानी जो टोटल वोल्टेज की बात करूँ तो इन सिरों पर मुझे क्या मिलेगी, वोल्टेज का मान यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। पर अगर धारा का मान देखा जाए यहाँ पर तो धारा क्या होगी, यहाँ पर जीरो। ठीक है, धारा जीरो क्यों होगी, आप सभी को पता है कि वोल्टता रहती है पर धारा का मान जीरो होता है। जब लोड लगाया जाता है तभी क्या होती है, धारा फ्लो होती है, उससे पहले कोई भी धारा फ्लो नहीं होती है। ये चीज़ आप सभी को पता है। जिस प्रकार से अपने उदाहरण ले सकते हैं नेट के अंदर, जिस प्रकार से मोबाइल के अंदर अगर अपने किसी वीडियो या फिर ऑडियो वगैरह को डाउनलोड करते हैं तब क्या होती है कि स्पीड MB के अंदर चलती है। ठीक है, यानी कोई लोड लगाया तभी क्या है, नेट की स्पीड बढ़ी। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं लोड लगाऊंगा तभी धारा का मान क्या होगा, फ्लो होगा। और अगर अपने मैं कोई भी चीज़ डाउनलोड नहीं करता हूँ तो जो स्पीड होती है वो KB में चलती रहती है, यानी जो मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो कार्य करता रहता है नॉर्मल MB यानी नेट पर। उसी प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर वाइंडिंग के अंदर कुछ प्रतिरोध है, उसके कारण क्या होती है कि कुछ धारा व्यय होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, शून्य भार धारा कहलाती है। ठीक है, अगर अब मैं लोड का मान फुल लगा देता, यहाँ पर लोड लगा देता तो वो आपकी I0 ना कहलाती और वो क्या होती, IL होती, यानी लोड धारा। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि लोड धारा पर ट्रांसफार्मर अगर लोड लगाया है तो ट्रांसफार्मर कैसे रिएक्ट करेगा, आज अपने पढ़े हैं कि शून्य लोड पर। अब बात करते हैं कि ये जो I0 होती है, ये I0 दो कंपोनेंट का निर्माण करती है। यानी I0 क्या है, शून्य भार धारा। ठीक है, शून्य भार धारा ये दो कंपोनेंट का निर्माण करती है, जिसमें से जो सबसे पहला कंपोनेंट आता है वो आता है चुंबकीय घटक, जिसे बोला जाता है
या फिर बोल सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स। और अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि I0 यानी धारा होती है, जब धारा को किसी परिपथ के अंदर प्रवाहित करवाया जाता है, ठीक है, धारा को किसी परिपथ के अंदर प्रवाहित करवाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि जो धारा का एक प्रभाव है कि किसी भी कुंडली में जाएगी तो वो क्या करेगी, चुंबकीय फ्लक्स का निर्माण करेगी। उसी प्रकार से क्या होता है कि जो I0 है ये क्या करेगी, कुछ चुंबकीय फ्लक्स का क्या करेगी, निर्माण करेगी। और जो सेकेंडरी में जाएगा यानी फ्लक्स का मान सेकेंडरी में जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, EMF उत्पन्न होगा। ये आपका फाई किस टाइप का फाई खिलाएगा, ये खिलाएगा प्राइमरी के अंदर फ्लक्स उत्पन्न, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड के अंदर, ठीक है। ये चुंबकीय फ्लक्स किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति खपत नहीं करता है, ठीक है। खपत क्यों नहीं करता है, आप सभी को पता है कि जैसे अपने पावर ट्राइंगुलर देखा था, ठीक है, तो यहाँ पर जो शक्ति आती है वो कौन सी आती है, प्रतीक आती है KVAR, यहाँ पर KVA और यहाँ पर आती है किलोवाट, ठीक है। यहाँ पर आती है वास्तविक आभासी शक्ति और प्रतीक आती है, यानी जो प्रतीक आती शक्ति जैसे कुंडलियाँ हो गई, कैपेसिटर हो गया वगैरह, वो क्या करते हैं, शक्तियाँ व्यय नहीं करते हैं। तो ये वाली जो रेटिंग होती है ये क्या होती है, फ्लक्स के अंतर्गत आती है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता है। अगर बात देखी जाए अपने कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि इंडक्टिव लोड है, ठीक है, इंडक्टिव लोड पर आप सब जानते होंगे कि वोल्टता और धारा के बीच का जो अंतर क्या होता है, यानी अगर बात की जाए कि वोल्टेज और धारा के बीच के अंदर तो क्या होगा, इंडक्टिव लोड के अंदर क्या होता है कि धारा का मान, अगर मैं वेक्टर डायग्राम इस सब प्रकार से देखूं तो यहां पर किसका मान होगा, वी का मान होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, आई का मान होगा, और ये कलांतर कितना आता है, 90 डिग्री आते हैं। अगर अपने शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के अंदर बात की जाए तो इंडक्टर के अंदर क्या होता है कि धारा पीछे रहती है 90 डिग्री किससे, वोल्टेज से, यानी धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना डिग्री आ जाता है, 90 डिग्री का अंतर आ जाता है, ठीक है। और 90 डिग्री का जो अंतर है वो किसके बीच में, धारा और वोल्टता के बीच में, और धारा के कारण किसका निर्माण हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के बीच में। तो मैं यह भी कह सकता हूं कि वोल्टता और चुंबकीय फ्लक्स के बीच का जो कलांतर है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये चीज समझ में आई आपको, कलांतर कितना है, 90 डिग्री। अगर बात की जाए कि वोल्टता और धारा के बीच में भी कितना है, 90 डिग्री। अगर वोल्टता और फ्लक्स की बात करूं मैं तो भी कितना है, यहां पर 90 डिग्री, क्योंकि धारा के कारण किसकी उत्पत्ति होती है, फ्लक्स की, और इन दोनों का एंगल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। आप सभी को समझ में आया। अब बात करते हैं कि आपको पता है कि जो पावर निकालने का जो फॉर्मूला क्या होता है, यानी पावर बराबर क्या होता है, वी आई कोस फाई। सब लोग जानते हैं कि पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर वी आई कोस फाई। अगर मेरे पास कलांतर की बात करें, कलांतर 90 डिग्री है, यानी कोस 90 का मान क्या होता है, जीरो, ठीक है। कोस अगर 90 का मान देखा जाए तो कितना होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर कोस यानी पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर की बात की जाए, यानी चुंबकीय परिपथ के अंदर पावर फैक्टर की बात की जाए, तो आप क्या बताओगे कि पावर फैक्टर का मान जीरो होता है। और पावर फैक्टर जीरो होने के कारण क्या होता है कि इसके अंदर जो पावर लॉस भी होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये वाला जो घटक है, चुंबकीय घटक, ये किसी भी प्रकार की शक्ति व्यय नहीं करता है, अगर बात की जाए कि, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वाटलेस घटक बोला जाता है, ठीक है, वाटलेस कंपोनेंट, या फिर बोल सकते हैं इसको अक्रिय घटक, वाटलेस कंपोनेंट, ठीक है। अक्रिय घटक, ठीक है, और इससे जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है आई एम से या फिर आई म्यू से, ठीक है। आई एम यानी मैग्नेटिक फ्लक्स और आई म्यू से दर्शाया जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में आई म्यू दिया हुआ है तो आपसे क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स यानी शून्य भार धारा पर चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। अगर आई एम दिया गया है यानी, तो आपकी किसके बारे में बात कर रहा है, आई शून्य भार धारा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको क्या बोला जाता है, वाटलेस कंपोनेंट, यानी किसी प्रकार की कोई भी शक्ति खपत नहीं करता है। अगर इसके अंदर देखा जाए कि पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर का मान क्या होता है, इसके अंदर जीरो होता है, और पावर फैक्टर जीरो होने से इसकी जो शक्ति भी अलाउ से है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये समझ में आया पहला कंपोनेंट की, यानी आई जीरो शून्य भार धारा पर अगर
पहला जो कंपोनेंट है चुंबकीय फ्लक्स, वो किस प्रकार से रिएक्टिव करता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कि इसके बारे में कि ट्रांसफार्मर चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने का कार्य करता है और इसको किससे दर्शाया जाता है, साइन से। इसको किससे दर्शाएंगे अपने, साइन से। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो क्या होगा, आई जीरो बराबर क्या होगा, आई म्यू साइन थीटा। ये है इसका फॉर्मूला, दिखाई दे रहा है सभी को कि आई जीरो बराबर आई म्यू इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन को किससे दर्शाया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स को, और कोस से दर्शाया जाता है जो नेक्स्ट पढ़ेंगे कंपोनेंट, जिसका नाम है आयरन लॉस या फिर चुंबकीय यानी हानियां जिसके बारे में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया जो पहला पॉइंट। अब बात करते हैं कि इसके बारे में कि आप सभी को पता है कि जो आई जीरो होता है ये क्या करता है कि ओनली फॉर इसका जो कार्य होता है वो यह होता है कि ये प्राइमरी के अंदर से उत्पन्न जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी में प्रदान करना, यानी मेन कार्य होता है इसका फ्लक्स प्रदान करना है, किसी प्रकार का लॉस नहीं करता है और इसे किसी प्रकार का लॉस नहीं करता है, इसलिए इसको बोला जाता है वाटलेस घटक। और इसका जो नाम होता है स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट नाम देखें तो आई म्यू से या फिर आई डब्ल्यू से इसको, सॉरी आई म्यू और आई एम से इसको शो किया जाता है। और इसका अगर पावर फैक्टर की बात करें, पिछली बार 2016 के अंदर जो डीएमआरसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि शून्य बार धारा पर ट्रांसफार्मर में चुंबकीय कंपोनेंट का पावर फैक्टर होता है, तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर का मान होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि शून्य बार धारा पर जो चुंबकीय कंपोनेंट होता है उसके अंदर जो पावर फैक्टर का मान कितना होता है, जीरो डिग्री, और धारा और वोल्टता के बीच में कलांतर कितना होता है, 90 डिग्री का। ठीक है, अब बात करते हैं अपने दो नंबर पॉइंट की कि सक्रिय घटक। दो नंबर पॉइंट आता है आपका सक्रिय घटक यानी एक्टिव कंपोनेंट। दो नंबर आता है सक्रिय घटक यानी यह भी क्या करता है कि फ्लक्स के कारण पैदा होता है, यानी आई जीरो होगी फ्लक्स में जाएगी, फ्लक्स बनाएगी, और फ्लक्स के कारण क्या होगी, सक्रिय घटक। सक्रिय घटक का मतलब होता है कि ये इस प्रकार का घटक है जो क्या करता है कि पावर को लॉस करता है, यानी शक्ति के क्या करता है, खपत करता है। और इसके अंतर्गत आते हैं जो लोह हानि होते हैं वो क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसके अंदर दो आती हैं जो आपकी लोह हानियां या फिर चुंबकीय, लोह या फिर चुंबकीय जो हानियां होती है वो आपकी सक्रिय घटक के अंदर आती है यानी एक्टिव कंपोनेंट के अंदर आती है। और ये क्या होता है, पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैसिव, पैसिव कंपोनेंट। ठीक है, अब जो बात करते हैं कि ये शक्ति व्यय करता है और ये शक्ति व्यय नहीं करता है, इसको लिया जाता है यानी आई डब्ल्यू से, यानी वाट के अंदर। वाट के अंदर क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये शक्ति को क्या करता है, खपत करता है, और वो भी किसी प्रकार की शक्ति को, स्थिर यानी स्टैटिक लॉस को। स्टैटिक लॉस दो टाइप के, स्टैटिक लॉस के अंदर पढ़ा था कि चुंबकीय हानियां या फिर आयरन लॉस एक ही बात है। आयरन लॉस चुंबकीय हानियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, जिसमें हिस्टेरेसिस और एडी करंट, और इनको जो मापा जाता है या फिर इनकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट होती है। इसलिए यहाँ पर जो आई डब्ल्यू लिखा गया यानी आई वाट, आई वाट का मतलब है कि यहाँ पर लॉसेज हो रहे हैं और वो उनको किस में व्यक्त किया जा रहा है, डब्ल्यू के अंदर किया जा रहा है। और ये क्या करते हैं कि सक्रिय घटक, एक्टिव कंपोनेंट, ये पावर लॉस करते हैं, इसलिए बोला जाता है इसको वाटफुल घटक बोला जाता है, वाटफुल कंपोनेंट। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है कि वाटफुल कंपोनेंट कौन से होते हैं जो शक्ति व्यय करते हैं, और वाटलेस घटक कौन से होते हैं जो शक्ति व्यय नहीं करते हैं। जिसका पावर फैक्टर जीरो होता है वो कौन सा होता है, वाटलेस होता है, और जिसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है वो कौन सा होता है, वाट फुल घटक होता है। अगर इसके पावर फैक्टर की बात करें तो इसका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, लैगिंग होता है, लैग। लैग क्यों होता है, क्योंकि इंडक्टिव लोड है यहाँ पर, और आप सभी को पता है कि इंडक्टिव लोड के अंदर क्या होता है कि धारा वोल्टता से पिछड़ जाती है, यानी वोल्टता आगे चलती है, धारा का मान क्या होता है, पीछे होता है। ये चीज आपको याद रखनी है इंडक्टिव लोड के अंदर। तो यहाँ पर पावर फैक्टर क्या रहेगा, लैगिंग रहेगा, और यहाँ पर जो पावर फैक्टर का मान क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए शक्ति की, ठीक है, और अगर पावर फैक्टर का मान होगा यहाँ पर क्या है, पावर लॉस हो रहा है, ये चीज आप सभी को पता है। और यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा इसका जो ज्ञात करने का वो क्या होगा कि आई
W बराबर क्या होगा, आई जीरो गुणा के अंदर कोस फाइव, ये इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो गया ज्ञात करने का। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन क्या आएगा कि सक्रिय एक ट्रांसफार्मर 100 केवी का जो शून्य भार धारा पर कार्य कर रहा है और उसमें शून्य भार धारा का मान कितना दे रखा है आपको, 10 एम्पीयर दे दिया और कोश का मान दे दिया आई वाट, यानी वाटलेस वाटफुल घटक की गणना कीजिए। ठीक है, तो आप इस सूत्र से आप निकाल सकते हो। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होगी इसके अंदर कि यहाँ पर जो आई जीरो का मान अगर पूछा जाए तो आप क्या करोगे कि आई डब्ल्यू यानी वाट लेस जो वाट फुल जो कंपोनेंट है इसके आपको रीडिंग दे देगा और कोस का मान दे देगा और आपको आई जीरो निकालनी है, यानी शून्य बार धारा सक्रिय घटक में शून्य बार धारा का मान बताइए। और इस सूत्र से आप निकाल सकते हो कि वाट लेस घटक के अंदर धारा का मान बताइए। ठीक है, और अब बात करते हैं अपने वेक्टर डायग्राम से कि अगर अपने को आई जीरो का मान निकालना है यानी इन दोनों के बीच में क्या प्रतिक्रिया होती है, इसके बारे में भी देखते हैं। अगर वेक्टर डायग्राम देखा जाए तो आप सभी को पता है कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, यहां पर मैं मान लेता हूं कि E1 है, E1 क्या आपकी सप्लाई वोल्टेज, E1 क्या है सप्लाई वोल्टेज। अब अगर बात की जाए आपके धारा की तो धारा इंडक्टिव लोड है, तो धारा के और शुद्ध इंडक्टिव की बात करें तो इंडक्टिव के अंदर क्या धारा वोल्टता से मैंने बताया था 90 डिग्री क्या होती है लैग होती है, तो इस प्रकार से वो डायग्राम बनेगा। ठीक है, और यहां पर अगर बात की जाए कि पीछे होने के कारण जो इसका चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या होगा कि आई म्यू, यानी ये भी कितना है 90 डिग्री का अंतर है दोनों के बीच में। अब बात करते हैं कि जो सेकेंडरी में E2 उत्पन्न हुआ है वो क्या है कि इसके जस्ट उल्टा होता है, यानी इसकी जो डायरेक्शन इस साइड है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी इस साइड, यानी ये दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट की बात करें तो इनके बीच का जो अंतर देखा जाए प्राइमरी में वोल्टेज और सेकेंडरी में जो उत्पन्न हुई है वोल्टेज का अंतर वो दोनों क्रांतर की बात करें तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं बात कर सकता हूँ कि E2 का मान, और ठीक है तो E1 आपका इससे अपोजिट है 180 डिग्री पे। अब बात करते हैं कि इन दोनों के आधार पे एक डिवाइडेशन यूं एक लाइन खींच जाती है और ये आपको शो करती है आई जीरो यानी शून्य भार धारा को, शून्य भार धारा को ये क्या करती है शो करती है। ठीक है, अब अगर देखी जाए कि इसके अंदर फ्लक्स की जो डायरेक्शन है, फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है इस साइड है, यानी एक साइड जो फ्लक्स है यूं चल रहा है, अगर आपको बात की जाए कि यहाँ पर अगर लोड लगा दिया जाए तो यहाँ पर भी क्या होगी धारा फ्लो होगी और ये भी क्या कुंडली फ्लक्स में ही, तो ये क्या चलेगा इसके उल्टा चलेगा, वो अपने पढ़ेंगे फुल लोड के अंदर यानी ऑन लोड पर। ठीक है, तो आज अपने को पढ़ना है जीरो लोड पर। तो ये जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है एक ही साइड है, चुंबकीय फ्लक्स की जो डायरेक्शन है वो क्या एक ही साइड है, और ये आपका E1 क्या होता है कि इसके अंदर जो उत्पन्न हुई है, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन के कारण क्या होगा कि सप्लाई दी मैंने यहाँ पर मान लेते V1 दिया, V1 के कारण क्या होगा इसमें धारा फ्लो हुई और चुंबकीय फ्लक्स आगे गया और यहाँ पर भी चुंबकीय फ्लक्स आ रहा है, इसने भी क्या किया उस चुंबकीय फ्लक्स का छेदन किया, तो यहाँ पर भी क्या होगा E1 उत्पन्न होगा और यहाँ पर E2 उत्पन्न होगा क्योंकि सेकेंडरी में हुई चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है। तो यहाँ पर मैं ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी V1 आपको दर्शाया जाता है यहाँ पर V यानी वोल्टेज जो सप्लाई वोल्टेज, और यहाँ पर किसका मान होगा E1 का होगा और E2 का मान होगा, यानी इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो इसके ऑपोजिट होगी सप्लाई वोल्टेज के, और यहाँ पर भी धारा की भी होगी वो भी क्या होगी इसके सप्लाई वोल्टेज के जस्ट उल्टा होगी। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके से बन गया। अब अपने क्या आएगी इसको एक त्रिभुज बना सकते हैं यूँ, और यहाँ पर वो क्या आएगी आप सभी को पता है कि जो लॉसेज थे मैंने बताया था कि जो लॉसेज होते हैं आयरन लॉस के अंदर, आयरन लॉस क्या है कि वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं, आप सभी को बताया था, क्वेश्चन भी आ सकता है कि आयरन लॉस किस पर डिपेंड होते हैं, धारा पर, वोल्टेज पर, पावर पर, या फिर पावर फैक्टर, जो भी अन्य चीज़ है। तो आपको बताना है कि वोल्टेज पर क्या होते हैं कि पावर फैक्टर क्या करते हैं डिपेंड करता है। ठीक है, तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, यहाँ पर जितनी वोल्टता का मान ज़्यादा होगा उतने क्या होगा पावर फैक्टर होगा, सॉरी पावर लॉस होगा, और यहाँ पर मैं शो करता हूँ कि आई डब्ल्यू को यानी आई वाट को दर्शाया जाता है, और इस प्रकार से मैंने रेखा खींची है और समान त्रिभुज बनाता हूँ मैं, और ये आई वाट अगर इस साइड है तो ये इस साइड जाएगी,
एक ही बात है, यानी ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आधार हो गया। अब अगर बात की जाए कि पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी को पता है कि कर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला यानी आई जीरो ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, ये चीज़ आप टेंथ में पढ़ी है। अब इससे क्या होगा कर्ण के अपना आई, ठीक है, आई जीरो की स्क्वायर बराबर के अंदर क्या होगा आई यानी आधार यानी आई म्यू की स्क्वायर, ठीक है, प्लस के अंदर क्या हो जाएगा आई वाट की स्क्वायर। और अब बात करते हैं कि इसका जो रूट है इस पे चला जाएगा, यानी जो मेन फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा आई जीरो बराबर आई म्यू की स्क्वायर प्लस के अंदर आई वाट की स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपका फॉर्मूला बनता है पूरा पूरा कंप्लीट है, यानी आई जीरो मान ज्ञात करने का। यानी अब क्वेश्चन क्या आएगा कि शून्य भार धारा पर ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा है जिसके अंदर चुंबकीय जो फ्लक्स का मान है आई म्यू का मान आपको दे देगा और आई डब्ल्यू यानी वाट का मान दे देगा, आपसे पूछा जाएगा कि शून्य भार धारा बताइए, तो आपको शून्य भार धारा टोटल अगर इन दोनों का मान बताए तो आप शून्य भार धारा इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर अकेले का बताए आई म्यू का तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर बात की जाए कि यहाँ पर कि आई डब्ल्यू दे दिया जाए तो आप इस प्रकार से, अगर आई म्यू और आई डब्ल्यू दोनों ही फॉर्मूले आपको मिल रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको मैं आप यहाँ पर लिख देता हूँ इसका फॉर्मूला कि आई जीरो बराबर क्या होगा कि आई म्यू की स्क्वायर प्लस के अंदर आई वाट की स्क्वायर का अंडर द रूट, ये होगा आपका आई जीरो यानी शून्य बार द्वारा ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। ये चीज़ें आप सब सभी सभी को समझ में आई। क्वेश्चन क्या आएगा, ये क्या है वाटलेस ये वाटफुल घटक, पावरलॉस जीरो पावरलॉस करता है, ठीक है, पावर फैक्टर का मान लैगिंग, पावर फैक्टर का मान क्या होता है जीरो, और इसके बोला जाता है एक्टिव सॉरी पैसिव कंपोनेंट, ये क्या होता है एक्टिव कंपोनेंट, और इसके बारे में ये था इस तरीके से, और ये सूत्र आ गया, और इस तरीके से अपने इसका मान निकाल सकते हैं, और ये चीज़ें आप शो करती हैं इनके बीच का अंतर जो कलांतर, और ये जो आई जीरो होती है वो कम 45 डिग्री के अंतर पे आती है दोनों के बीच में, आई वाट और आई म्यू के बीच से निकलती है आई जीरो का मान, तो 45 डिग्री के एंगल पर। तो ये चीज़ आप सबको समझ में आई आज की क्लास में इतना ही, और अगर इसी के बारे में शून्य लोड धारा पर ट्रांसफार्मर कोई भी राय हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो रहेगी कि ऑन लोड पर यानी अगर यहाँ पर लोड लगा दिया जाएगा तब ट्रांसफार्मर कैसे रिएक्ट करेगा, और लोड आपके तीन टाइप के होते हैं इंडक्टिव लोड कैपेसिटिव लोड और रजिस्टिव लोड, यानी इन तीनों लोड पर कैसे ट्रांसफार्मर रिएक्ट करेगा, इन तीनों लोडों के बारे में अपने अलग अलग से विवरण में जानकारी प्राप्त करेंगे, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।